Good morning, students. Once again, I am here with you in this class. तो students, आज हम second day की class start करने जा रहे हैं और हमने कल की class में जो है time reading के कुछ key words को जाना था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास बहुत से मतलब स्टूडेंट्स के कॉल आए जिन्होंने मुझे मतलब इस बात को बताया कि हमें जो है मतलब ये की वर्ड्स हमें पहले से कभी मतलब मालूम नहीं था ना हमें किसी ने आज तक बताया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे जो है मतलब इस बात को बताया, इस बात की जानकारी दी। ओके, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल की मतलब कंसेप्चुअल की जो है वो हम जानेंगे। तो कंसेप्ट की क्या होगा हमारा, हम किस तरीके से टाइम को रीड करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कल के क्लास में, तो आज हम मतलब इसी बात को जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है मतलब मेरे दिए हुए मतलब पिछले क्लास में तो कल के टास्क को जो है वो जरूर पूरा किया होगा और आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे मुझे इस बात को बताने के लिए कि आप लोगों को पूरे बिल्कुल आप लोगों को पूरे तरीके से जो है वो सारे कीज जो मैंने कल बताए थे वो आपको याद हो चुके होंगे। तो चलिए, तो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं, आज क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करते हुए हम जानते हैं कि मतलब आज हम किस तरीके से किसी भी टाइम को बहुत आसानी से बता सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आज की क्लास कल की क्लास से जो है वो लेंदी हो और मतलब आपको जो है वो हर एक पॉइंट को जो है थोड़ा सा मतलब रिव्यू करना है। आप वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो को पॉज करने के बाद जो है एक बार जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, डे फर्स्ट की क्लास में जो आपको बताया था, उन कीज को दोहरा लें, क्योंकि अब हम उसके साथ ही जो है अपने कंसेप्ट को जानने वाले हैं, जिसके बाद आप बहुत ही आसानी के साथ, जिसके बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मुझे हर एक चीज़ के बारे में जो है वो बेहतर बता देंगे, मुझे समझा देंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज की क्लास में हम क्या जानते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम जानने जा रहे हैं कंसेप्ट की के बारे में। अब कंसेप्ट की किसे कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कंसेप्ट की में क्या होता है, कंसेप्ट की को हम कैसे समझ सकते हैं, कंसेप्ट की को हम कैसे जान सकते हैं, हम आज उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंसेप्ट की के अंदर हम इस स्ट्रक्चर को जानेंगे। ये स्ट्रक्चर जो हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है, आप इस स्ट्रक्चर को देखें जहाँ पर मैंने मैंशन किया हुआ है कि आपको किस कंसेप्ट को लेकर चलना है। Once again, I'm telling to all of you, you need not to learn, you need not to cram anything. आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ मतलब जो है करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो समझना है और कुछ नहीं जानना है। ओके, तो हम पहले जान लेते हैं कि इसका कंसेप्ट की क्या है। कंसेप्ट की के अंदर मैंने यहाँ मैंशन कर रखा है इट्स। इट्स का मतलब इट इज़ होता है, शॉर्ट वे में हम इट्स को इट इज़ कहते हैं। ओके, शॉर्ट वे में हम इट्स को इट इज़ कहते हैं। साथ में मैंने मेंशन कर रखा है, जस्ट मैं जरा मतलब मार्कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ मैं। ओके, तो सबसे पहले बता दूँ आपको मैं कि मेरे पास जो है यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है आपको इट्स। इट्स का मतलब होता है इट इज़, क्लियर टू यू। साथ में मैंने बता रखा है मिनट, एम आई एन, मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मिनट। मिनट का मतलब आप जानते हैं मिनट किसे कहते हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि पी ऑब्लिक टी, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मतलब डिस्कस करूँगा, मतलब आज की क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आज हम जानने जा रहे हैं मतलब पी मतलब क्या होता है, पी का मतलब, पी मीन्स डैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही बताया आपने, पास्ट होता है पी का मतलब। और टी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठीक बताया आपने, टी का मतलब होता है टू। ओके, तो मतलब इट्स, देखिए नंबर वन हमारे पास क्या आ गया, दिस इज कॉल्ड द नंबर वन, दिस इज कॉल्ड इट्स, ठीक है, ये इट्स हो गया। उसके बाद सेकंड जो हमें ध्यान रखना है वो है हमारे पास मिनट। सेकंड क्या है, मिनट। आप इन पॉइंट ध्यान रखिएगा, इट्स प्लस मिनट प्लस पी ऑब्लिक टी प्लस पी ऑब्लिक टी, जो कि थर्ड पॉइंट हमारा है, दैट इज कॉल्ड पी ऑब्लिक टी। ओके, फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ में हमारे पास आता है आवर, ठीक है, फोर्थ में आता है आवर।
और फिफ्थ में आता है अदर वर्ड्स। मैंने मेंशन किया हुआ है फिफ्थ में आता है अदर वर्ड्स। मीन्स क्या मीन्स, अगर आप देखेंगे तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने क्या बताया है। मैंने कहा है आपको इट्स प्लस मिनट प्लस पी ऑब्लिक टी प्लस आवर प्लस में मतलब अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स के बारे में हम मैं आपको थोड़ा बताऊंगा समझाऊंगा भी आपको मैं। ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी है कि जो आपने कल की क्लास में लर्न किया है, जो आपने कल की क्लास में जाना है, उसे आप समझ सकें, उसे आप मतलब जान सकें। तो इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि हमको कैसे इसको यूज करना है डेली लाइफ में, कैसे हमें इसको डेली लाइफ में यूज करना है। मान लीजिए आप मुझे को टाइम बताइए, क्या टाइम बताया आपने? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो मतलब आपने मुझे बताया 2:40, जस्ट ए मोमेंट, मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे, आप बताइएगा। मैंने लिखा आपको यहाँ पे 2:40, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2:40 लिखा मैंने। अब कैसे इसको हम रीड आउट करेंगे, 2:40 को हम कैसे रीड आउट करेंगे, कैसे हम टाइम को रीड करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। बहुत आसान है, जो मैंने बताया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 2:40 अगर आपको किसी को बताना, मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे, अगर 2:40 की बात करनी है तो उस कंडीशन में आपको क्या बताना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, बजकर के लिए क्या यूज करते हैं हम, याद आया आपको? बजकर के लिए हम क्या यूज करते हैं, याद आया? बिल्कुल। तो हम बजकर के लिए जो है हम यूज करते हैं व्हाट, क्या क्या? पास्ट। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत ही ठीक बताया आपने। बजकर के लिए हम पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है, बजकर के लिए हम पास्ट का यूज करते हैं। और बजने में के लिए किसका यूज करते हैं, टू का। बहुत ही सही बताया आपने। तो बजकर, अब हमें बजकर क्लियर हो चुका है कि बजकर पी का मतलब होता है बजकर और टू का मतलब होता है बजने में। पी का मतलब होता है पास्ट या पास्ड और टू का मतलब होता है टी ओ टू। ठीक है, तो हम अब शुरुआत कर रहे हैं 2:40। जरा आप मेरे साथ कोशिश कीजिएगा समझने की मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। 2:40 मैंने आपको कहा, इट्स 40 है ना, नंबर टू, इट्स 40 पास्ट क्या, टू, इट्स 40 पास्ट टू। सबसे पहले हम जब टाइम बताएंगे तो सेंटेंस की शुरुआत करते समय जब हम इस चीज को बताएंगे, इस चीज को समझाएंगे, तो हम इस बात को यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि मतलब हम सबसे पहले हम टाइमिंग को बता रहे हैं। तो 2:40 का मतलब हुआ इट्स 40 पास्ट टू। इस तरीके से हमें बताना होगा 3:10 तो इट्स 10:03। मतलब अगर हमें बताना हो 3:10 इट्स 10:03, 2:16 इट्स 16:02। समझ आ गया, अगर हम बजकर की बात करते हैं। हाँ, तो चलिए थोड़ा ट्राई करते हैं, थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं और जानने कोशिश करते हैं कि आपने क्या जाना है। मतलब मैंने पहले कहा आपको 2:05, जब बताइए फास्ट। बहुत अच्छा, 2:05 मतलब इट्स 5:10। बहुत ठीक रहा आपका, इट्स 5:10। सेकेंड, मैंने कहा आपको 11:12, ठीक है। तो अब हम कैसे बताएंगे 11:12 को, इट्स 12:11। तो सुन लीजिए, 11:12, इट्स 12:11। समझ आ गया, अगर हमें इसी तरीके से बताना हो, इस तरीके से बताना हो 3:40 क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया आपने, इट्स 40:03, इट्स 40:03। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे टू की बात करूं, थोड़ा सा पहले मैं टू बारे में बता दूं आपको मैं, क्योंकि आप कहेंगे सर आप टू बारे में बताए नहीं अभी तक। तो अगर टू के बारे में बात करते हैं तो टी टी मतलब टू,
टी मतलब टू, यहाँ पे टी मेंशन कर रखा है मैंने और टी का मतलब होता है टू। तो तीन बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तुम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, 3 बजने में 10 मिनट बाकी है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इट्स 10:23, इट्स 10:23। समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने आपको क्या बताया है, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको कहा है 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं तो इट्स 5:05। मैंने आपको कहा 6 बजने में 18 मिनट बाकी हैं तो इट्स 18:06, ठीक है, बजने में और बजकर, ठीक है। मैंने आपको कहा 1 बजने में 2 मिनट बाकी हैं तो इट्स 2:21, इट्स 2:21, और 2:05 हो गए हैं तो क्या कहेंगे हम, इट्स 2:05, और 2:02 हो गए हैं, 2:05 हो गए हैं, कैसे बोलेंगे, इट्स 2:05। और अगर बताना हो कि 2:02 हो रहे हैं, इट्स 2:02। क्लियर, समझ आपको आ गया होगा मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इस कंसेप्ट को समझना है, अगर हम इस कंसेप्ट को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी हम मतलब आगे की बात को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानने कोशिश करते हैं कि मैंने ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने मेंशन कर रखा है अदर वर्ड्स। तो ये अदर वर्ड्स का मतलब क्या होता है, अदर वर्ड्स हम किसे कहते हैं, देखिए अदर वर्ड्स का मतलब होता है कि वो अननेसेसरी वर्ड्स जो सेंटेंस में हो या ना हो, सेंटेंस के मेन स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लीजिए मैं कह दूं कि मेरी घड़ी में 3:03 हुए हैं, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा आपको कि मेरी घड़ी में 3:03 हुए हैं, मेरी घड़ी में 3:03 हुए, अगर मुझे बताना पड़े आपको, ठीक है। तो मैंने लिखा आपको यहाँ पे मेरी घड़ी में 3:03 हुए हैं, क्लियर, मेरी घड़ी में 3:03 हुए हैं, ठीक है। तो ये जो मेरी घड़ी है ना आपका, जो बताया मैंने मेरी घड़ी, ये मेरी घड़ी जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज अदर वर्ड्स, ठीक है, मतलब मेरी घड़ी जो है ये अदर वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओके। तो अदर वर्ड्स में मेरी घड़ी आ गया। अब अगर आपको इंग्लिश से बोलना हो कि मेरी घड़ी में 3:03 हुए हैं तो इसका मतलब हुआ इट्स 3:03 इन माय वॉच या इन माय क्लॉक, इट्स 3:03 इन माय वॉच, ठीक है, समझ आ गया आपको, मतलब कैसे हमने इसको यूज किया है। तो कीवर्ड्स आपने कल पढ़ा था तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको यूज कर पा रहे होंगे। फिर थोड़ा सा हम और इस बात को थोड़ा सा और जाने की कोशिश करते, मान लीजिए अगर आपको बताना हो 1:40 बाकी हैं तो आप कैसे बताएंगे, 1:40 बाकी हैं तो आप उसको कैसे बताएंगे, इसको बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कैसे, फास्ट 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 जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए 1:40 बाकी हैं इसको आप कैसे बताएंगे, बहुत ही अच्छा बताया आपने, इट्स 42:01, इट्स 42:01, 1:40 बाकी है, इट्स 42:01, बहुत ही सही रहा। और अगर कहना पड़े 2:15 हो रहे हैं, कहना पड़े अगर 2:15 हो रहे हैं तो कैसे कहेंगे, 2:15 हो रहे हैं, इट्स 2:15, क्लियर, इट्स 2:15 और 2, क्लियर,
मतलब 2:15 हो रहे हैं और मेरी घड़ी में 2:15 हो रहे हैं, तो इट्स 2:15 इन माय वॉच। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको बताना पड़े, अगर आपको ऐसे ही मतलब कहना पड़े कि अभी उसकी घड़ी में, मतलब अभी उसकी घड़ी में 4:30 नहीं बजे हैं, ध्यान सुनिएगा, 4:30 नहीं बजे हैं, तो आप क्या करेंगे, हल्का सा मॉडिफाई कर देंगे, और हल्का सा मॉडिफाई करके आप यहाँ पे नॉट शब्द को जोड़ देंगे, इट्स नॉट। मैंने क्या कहा, अभी उसकी घड़ी में 4:30 नहीं बजे हैं, तो इट्स नॉट 4:30, इट्स नॉट 4:30 इन हिज वॉच। ठीक है, मतलब आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा अगर कहना पड़े 4:45 हो रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान सुन लीजिए, एक बार बता दूं आपको मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली टाइम को बताते समय, जनरली जब हम टाइम को बताते हैं तो उस कंडीशन में आप इट इज यानी कि इट्स को छोड़ सकते हैं। आम बातचीत के दौरान आपको इट इज या इट्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। मैंने क्या बताया कि आम बातचीत के दौरान, जनरल डिस्कशन के दौरान, जो जनरल डिस्कशन करते हैं, तो जनरल डिस्कशन के दौरान आप जो हैं वो किसका, इट्स का यूज नहीं करते हैं। जनरल डिस्कशन के दौरान आप इट्स का यूज नहीं करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड बेटर है, नहीं कर रहे तो भी बेटर है। ठीक है, लेकिन लिखते समय, कहीं टाइम को मेंशन करते समय आपको मैंडेटरी है कि आप इट्स का या इट इज का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, वैसे तो बता दूं आपको मैं कि इट्स बहुत ही मतलब जो है बेटर फॉर्म माना जाता है इंस्टीड ऑफ इट इज के। ठीक है, तो शॉर्ट में होता है। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जान लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें टाइम को बोलना है। मान लीजिए कि आपको बताना हो, मान लीजिए कि आपको समझाना हो किसी को, किसी ने टाइम पूछा, हे व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम मतलब व्हाट इज द टाइम, तो हे व्हाट्स द टाइम, आप क्या कहेंगे, 7:00 और इट्स 7:00, 7 बजे। ठीक है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि मान लीजिए आपसे किसी ने कोई पूछ रहा है कि क्या समय है, सुन लीजिए, व्हाट्स द टाइम, व्हाट इज द टाइम, आप कहेंगे इट्स 5:30। ठीक है, अब आपको अगर 5:30 नहीं बोलना है, 4:45 हैं, तो आप कह देंगे 4:15। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको जनरल डिस्कशन करना है, तो मैंने बताया आपको कि इसके अंदर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जब हम जनरल डिस्कशन करेंगे तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में अगर आपको कहना पड़े तो आप वहां पे क्या बताएंगे, आप बताएंगे क्या बताएंगे, 7:10, 7:10 हो रहे हैं। अगर आपको बताना पड़े 7:45 बज रहे हैं, 7:45। अगर आपको बताना पड़े 3:03 हुए हैं, 3:03, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अरे टाइम क्या हुआ है, 7:30, 7:30। ठीक है, अगर मान लीजिए कहना पड़े कितने बज गए, अभी 6 बजे हैं, just 6 o'clock now, मतलब आपको किसी भी चीज को ध्यान नहीं देना है, बोलते समय आपको जो है जनरली 2, 3, और 4 का यूज करना है। स्पीकिंग के दौरान ध्यान सुन लीजिएगा, बोलते समय आपको जो है वो फॉर्मूला 2, 3, 4 234 का यूज करना है, और लिखते समय आपको जो है वो 1, 2, 3, 4 का, मतलब मैं बात करूं अगर तो 1234 का आपको यूज करना है। ठीक है, 5 जो है वो एक जनरली कंसेप्ट में आता है, तो जब थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको और इस बारे में जानकारी दे दूं, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं और, ठीक है, ताकि आप टाइम को मेंटेन्ड वे में जान सकें और बोल सकें। दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई कहता है 7:15 7:15, कोई कहता है 3:10 हो गए तो 3:10, कोई कहता है 2:05 बाकी है तो 5:52, अगर कोई कहता है 7:45 बज रहे हैं तो 7:45, कोई कहता है 7 नहीं बजे हैं, इट्स नॉट 7 o'clock, ध्यान से सुनिए दोबारा, अगर कोई कहता है 7 नहीं बजे हैं तो आपको नॉट लगा देना है, इट्स नॉट 7 o'clock, और कोई अगर आपको कहता है कि अभी 8:10 नहीं हुए हैं तो इट्स नॉट, आप क्या कहेंगे, इट्स नॉट
10 past 8, क्लियर टू यू? तो मतलब अगर कहना पड़े 7:30 बज रहे हैं तो आप कहेंगे इट्स 7:30, या फिर आप कहेंगे 7:30. 7:30 नहीं बजे हैं तो आपको वहां बताना पड़ेगा इट्स नॉट 7:30. दो बात क्लियर हो गए अच्छी तरह से आपको. तीसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्या 7 बज गए, अगर आपको क्या 7 बज गए बताना हो तो कुछ नहीं करना है आपको, इज इट मतलब इसको पहले और इसको बाद में आपको यूज कर लेना है. ध्यान से, इज इट क्या 7 बज गए, इज इट 7 o'clock, क्या 8 बज गए, इज इट 8 o'clock, क्या 4:45 हो रहे हैं, इज इट 4:45. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया है और टाइम कैसे आपको मतलब किसी को बताना है, टाइम आपको कैसे रीड आउट करना है. ठीक है, तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें. आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे बता देता हूँ आपको मैं. आप ऐसा कीजिएगा, किसी को अपने सामने बिठा लीजिएगा और उसको कहिएगा कि तुम मुझे टाइम जो है मतलब आप मुझे टाइम बताइए, कुछ भी बोले टाइम में, कुछ भी टाइम में बोलिए. ठीक है, और आपको उनके टाइम को सुनना है और अपना इंग्लिश में रिप्लाई करना है. उनके टाइम को सुनना है और अपने टाइम को इंग्लिश में रिप्लाई करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब अगर कहा जा रहा है 7:30 बज गए तो इट्स 7:30 या 7:30 बोल देंगे, 4:45 हो रहे हैं, 4:45 या इट्स 4:45 बोल देंगे, अब भी 9:30 नहीं बजे हैं, इट्स नॉट 9:30 नाउ, क्या 4:10 हो रहे हैं, इज इट 4:10. ठीक है, तो इस कंसेप्ट पर अगर आप चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे. करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है किसी अपने फ्रेंड को या किसी को भी मतलब जो मतलब आपके साथ बैठता उठता हो, बातचीत करता हो, तो आप उसे जो है मतलब अपने साथ बिठा लीजिएगा और बिठाने के बाद जो है जब आप बातचीत करेंगे तो वो कहिएगा कि वो हिंदी में बोले और आप उनको इंग्लिश में बोलिएगा. फिर उसे कहिएगा कि फिर आपको क्या करना है कि आपको एक पेज के ऊपर हिंदी के इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस को लिख लेना है और उनसे कहना है कि आप जो है मतलब इसको रीड आउट कीजिए और आप उसको हिंदी बताते रहेंगे. तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से जो है मतलब इस बात को समझ पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा. ठीक है, और चलिए तो आज की क्लास हमारी फिनिश होती है और हम फिर कल की क्लास में कुछ नई चीज़ को जानेंगे और कल से मैं कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड करने जा रहा हूँ क्लास के दौरान ही. और मतलब स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर टाइम टेबल क्या होगा हमारा, किस किस तरह का क्लास होगा, क्या क्या हम सीखेंगे, तो उस बारे में भी जो है मैं आपको जानकारी दूंगा. ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों को समझें जानें. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर कल की क्लास में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू. ओके, बाय बाय, सी यू सून. वेरी ओके.